दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लड़कियों की पर्सनालिटीज के बारे में। लड़कियों में 6 तरह की पर्सनालिटी पाई जाती है। उनके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस एंड जेस्चर से पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। नंबर 1, अल्फा फीमेल्स। ये बॉर्न लीडर होती है, अपने सर्कल की हर ग्रुप को लीड करना इन्हें बखूबी आता है। इनको इनका अहमियत पता रहता है और इस बात का गर्व उन्हें रहता है। इनके चलने के तरीके से लेकर काम करने के बर्ताव तक हर चीज में इनका आत्मविश्वास झलकता है। इनके आसपास के लोग इनसे आकर्षित होते हैं, इसलिए ये पॉपुलर भी होती है। अपने आत्मविश्वास के कारण वे कठिन से कठिन परिस्थितियों से निपटने की ताकत रखते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पदों पर पहुंचते हैं। अल्फा फीमेल्स के लिए उनका स्वाभिमान अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह ऐसी लड़कियां हैं जो जानती है कि उसे क्या चाहिए और अपनी कड़ी परिश्रम से उसको हासिल भी करती है। इन्हें किसी से आदेश लेना पसंद नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ की पद पर अल्फा फीमेल्स राज करती है। चाहे इनके रिश्ते हो या बिजनेस डील, सब कुछ में सिर्फ इन्हीं की चलती है। ये खुद को साबित करने और आगे बढ़ने के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने से कभी नहीं डरती। नंबर 2, बीटा फीमेल्स। बीटा फीमेल्स को उनके विनम्र और अत्यधिक दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये फ्रेंडली और हेल्पफुल बनना पसंद करती है और हमेशा कन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश करती है, इसीलिए ये पैसिव होती है। तर्क बितर्क की सिचुएशन कभी अगर इनकी लाइफ में आ जाए तो ये चुप रहती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जीवन में इनको क्या चाहिए उसके बारे में ये क्लियर नहीं होती। ये कोई भी परिस्थिति में बहुत ही जल्दी चिंतित हो जाती है, चाहे वह दोस्तों के साथ हो या अपने पार्टनर के साथ हो। बीटा फीमेल्स को सबसे फ्रेंडली पर्सनालिटीज में से एक माना जाता है और उन्हें उनकी इस फ्रेंडली स्वभाव की तारीफ सुनना पसंद होती है, इससे उनको कॉन्फिडेंस मिलती है। हालांकि ज्यादा फ्रेंडली होना अक्सर इनके रिश्तों में नुकसान पहुंचाता है। बहुत से लोग अपने निजी लाभ और स्वार्थ के लिए इनसे दोस्ती करते हैं और इनका सिर्फ उपयोग करते हैं। बीटा फीमेल्स आदर्श दोस्त या पार्टनर बनती है क्योंकि वो हर वक्त अपने दोस्तों की खुशी और भावनाओं के बारे में सोचती है, रिश्तों का सम्मान करना जानती है। नंबर 3, गामा फीमेल्स। इनकी पर्सनैलिटी सिर्फ इनके इर्द गिर्द घूमती है और यह खुद में ही डूबी रहती है। ये दोस्तों के साथ जितने कंफर्टेबल होती है, अकेले में भी उतनी कंफर्टेबल होती है। इनकी खुशी इनकी जरूरतों का पूरा होने के ऊपर निर्भर करता है। अल्फा फीमेल्स की तरह गामा पर्सनालिटी वाली लड़कियां भी अपना अहमियत जानती है, लेकिन उसे लेकर ये घमंड नहीं करती। ऐसी लड़कियां दोस्ती या कोई रिश्ता जोड़ने से पहले खुद का फायदा देखती है, चाहे उनकी लाइफस्टाइल हो या रूम। उनकी जिंदगी में हर चीज उन्हें साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड चाहिए। वो जीवन में जो चाहती है उसके पीछे भागती है और उसे हासिल करने का कोई आइडिया अगर इनके दिमाग में आ गया, चाहे वह सही हो या गलत, उसको करने से इनको रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इनकी पर्सनालिटी अल्फा और बीटा फीमेल्स की बीच की होती है। ये अगर आपके दोस्त बनेंगे तो आपको हर वक्त मोटिवेट करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट रहने के लिए। नंबर 4, ओमेगा फीमेल्स। इस पर्सनालिटी की लड़कियां शर्मीली और रिजर्व्ड टाइप की होती है, लेकिन वे भावुक और बुद्धिमान होती हैं। वे ज्यादातर इंट्रोवर्ट होती है और इन्हें शांत रहना पसंद है। घर से बाहर जाना, लोगों से मिलना इन्हें पसंद नहीं होता। ओमेगा फीमेल्स सिर्फ अनजान लोगों के पास ही रिजर्व दिखती है। अगर ये आपके दोस्त बन जाए तो आपके साथ है धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती है। ये अपने अंदर इमोशंस को छुपाती है, जो बाद में उन्हें भावात्मक उद्रेक का शिकार बना देता है। ओमेगा फीमेल्स रोमांस की दीवानी होती है, भले ही वास्तविक जीवन में वो इससे कतराती हों। उन्हें रोमांटिक फिल्म देखना और रोमांटिक स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद होता है। इन्हें ऐसी साथी की तलाश रहती है जो उनके पैशन और इंटेलेक्ट को मैच करे। ओमेगा लड़कियां थॉटफुल होती हैं और उन्हें इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस करना पसंद होता है। नंबर 5, डेल्टा फीमेल्स। डेल्टा फीमेल्स भी ओमेगा की तरह सोशलाइज होने के बजाय घर में रहना पसंद करती है। अक्सर देखा गया है कि अल्फा फीमेल उम्र बढ़ने के साथ डेल्टा पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा आमतौर पर एक बुरा अतीत का अनुभव होने के बाद होता है। इन्हें शांत और अपने आप में रहना पसंद होता है। इनके दोस्त भी सीमित होते हैं। ये प्रैक्टिकल और धैर्यवान होते हैं। यह हमेशा नए लोगों से बातचीत करना नहीं चाहती, लेकिन अगर ये बातचीत करने लगे तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होती है। शब्दों की शक्ति के बारे में ये बहुत जागरूक होती हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपने उस गहरी समझ का उपयोग करती हैं। वह नए लोगों के बजाय उन लोगों के साथ गहरी और सार्थक बातचीत करना पसंद करती है जिन्हें वह पसंद करती है।
नंबर 6 सिग्मा फीमेल्स। सिग्मा फीमेल में अल्फा फीमेल के कई लक्षण और एक चौंकाने वाले पर्सनालिटी देखा जाता है, लेकिन ये अल्फा फीमेल की तुलना में लोगों से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट और अटैच्ड होती है। यह बहुत कम लोगों से ही इमोशनली कनेक्ट करती है, लेकिन जिनसे ये अटैच्ड होती है इतनी गहरी तरह से अटैच्ड हो जाती है कि बाद में वो लोग उम्मीद के मुताबिक नहीं भी होते तो उस अटैचमेंट को तोड़ना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी लड़कियां होती है जो जहां भी जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। सिग्मा और अल्फा फीमेल्स की पर्सनालिटी में आत्मविश्वास स्तर समान होता है। ये अच्छी तरह से जानती है कि वह कौन है और वह जो चाहती है उसे पाने के लिए अपने व्यक्तित्व का उपयोग करती है। दोस्ती हो या फिर कोई रिश्ता, जिनसे ये प्यार करती है उनके प्रति ये हमेशा हर मामले में लॉयल और ट्रस्टवर्दी होती है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की मदद करने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटती, हमेशा मौजूद रहती है। किसी ने अगर इनकी मदद की तो वे उस मदद को कभी नहीं भूलती और एहसान चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इनका मिस्टीरियस ऑरा और पर्सनालिटी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हमेशा फोकस्ड और एम्बिशियस होती है। इनमें से आपकी पर्सनालिटी कौन सी है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।